हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार शेयरों में गिरावट से अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी अमीरों की सूची में सोमवार को 38वें स्थान पर पहुंच गए। 24 जनवरी को रिपोर्ट आने से पहले वह दूसरे स्थान पर थे। इस अवधि में उनकी संपत्ति 120 अरब डॉलर से घटकर 33 अरब डॉलर रह गई है। फरवरी 2021 के बाद उनकी संपत्ति का यह सबसे निचला स्तर है। वह रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी की 83 अरब डॉलर की संपत्ति से अब 50 अरब डॉलर पीछे हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अडानी की कंपनियों के शेयर में 33 दिन में 85% तक की गिरावट आ चुकी है। हिंडनबर्ग द्वारा अडानी की कंपनियों के शेयरों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनके शेयर वास्तविक मूल्य से 85% ज्यादा हैं। इस दौरान अडानी की कुल 10 कंपनियों के शेयर की पूंजी अगस्त 2021 के बाद पहली बार 7 लाख करोड़ से भी नीचे 6.82 लाख करोड़ रुपए रह गई है, जो रिपोर्ट आने से पहले 19.2 लाख करोड़ रुपए थी। अडानी के शेयर में सोमवार को भी भारी गिरावट रही। लगातार गिरावट का असर यह रहा कि समूह की 10 में से केवल 2 ही कंपनियां ऐसी हैं जिनका बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। पूंजीकरण के लिहाज से अडानी समूह अब ICICI से भी पीछे रह गया है, जिसकी कुल संपत्ति 7.23 लाख करोड़ रुपए है। इन सभी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय को देखते हुए शेयर मार्केट के बादशाह कहे जाने वाले गौतम अडानी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इन्हीं मुश्किलों के चलते वह दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 38वें पायदान पर आ पहुंचे हैं।